नमस्कार। रुक जाना नहीं, आगे बढ़ते रहना है और जिंदगी को इसी तरह हमें राह में कभी भी कदम पीछे नहीं उठाना है। जीवन विकास और एक अनुभवों की यात्रा है। समय के साथ साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। जीवन एक प्रेशियस गिफ्ट है और जीवन में असफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने कर्म पथ पर लगातार गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। रुक जाना नहीं, सफलता की राह पर आगे बढ़ते चले जाना है। हम सभी का जीवन मंत्र यही होना चाहिए। आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह किस प्रकार अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से सागर की ओर बढ़ती है। रास्ते में हजारों बाधाएं आती हैं। हो सकता है कभी कभी रफ्तार धीमे हो जाती है, मगर क्या आपने कभी भी किसी नदी को बीच में रुकते हुए देखा है? अगर बहती हुई नदी बह जाए, रुक जाती है, तो पानी उसका स्टैग्नेट हो जाएगा और धीरे धीरे वह नष्ट हो जाती है। और यही हमारी जीवन में भी होता है। भाग्य के स्थान पर परिश्रम में विश्वास रखने वाले कर्मयोगी ही संसार में अपना आयाम मुकाम बना पाते हैं। टुडे वी हैव विद अस टू एंटरप्रेन्योर्स टू टेक अस थ्रू देयर जर्नी फ्रॉम अ स्टार्टअप, पैशन, चैलेंजेस एंड सक्सेसेस। वी हैव विद अस रतिका भार्गव एंड ऋचक खेतान फ्रॉम कोल्ड्रन सिस्टर्स एंड द वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेल रिनाउंड मिसेज अर्चना सुराना, founder director of Arsh Institute of Design. In conversation with our students of Delhi Public School Jaipur, Pranav Chaudhary and Ashla Baheti. Necessity is the mother of invention. क्या आप हमारी ऑडियंस को वो ड्राइविंग फोर्स बताना चाहेंगे जिससे आपने इस वेंचर की शुरुआत की? As a young girl, जब मैं काफी छोटी रही हूँ इन स्टूडेंट्स की तरह, तो मन में एक बात रहती थी कि मेरी पहचान कैसी जानी चाहेगी। तो देखा था कि परिवार के अंदर में जो महिलाएं होती हैं उनके प्रति जो ये रहता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे गिना नहीं जाता। और हमेशा अगर आपको कभी कोई पैसे चाहिए घर चलाने के लिए या कुछ भी, तो आपको किसी न किसी से, फैमिली मेम्बर से, सीनियर से लेना होता है, चाहे वो आपके इन लॉज हो या आपके अपने हस्बैंड। तो मैंने ये देखा क्यों ऐसा है, और इसीलिए मुझे लगा कि हर विमेन को सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है और उसे आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। तो वहीं सेल्फ रिलायंट बनने के इस जज्बे ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन को, मैं इसकी शुरुआत मैंने 22 साल पहले करी थी और इस कॉलेज को मैं बिल्ड कर पाई। रिचा मैम, व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर वेंचर? सो हमने जब स्टार्ट किया था 6 साल पहले, तब ये था कि कुछ नया करना है। कुछ टैलेंट काफ़ी ज़्यादा था तो घर पर आइडल नहीं बैठना था, तो ये था कि कुछ करें। फिर फूड में हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है, नई नई चीज़ें बनाने का। सो वी थॉट कि चलो स्टार्ट करके देखते हैं। देन वी रियलाइज्ड कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, कुकिंग टेक्निक्स एंड इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्सप्लोर नहीं होते हैं। सो उसको एक्सप्लोर करते करते वी थॉट कि कुछ कर लिया है। मैम, कोल्ड्रन सिस्टर्स नाम सुनते ही हम काफ़ी क्यूरियस हो गए थे, क्या आप हमारी ऑडियंस को इस इंटरेस्टिंग नाम के पीछे की कहानी बता सकते हैं? सो कोल्ड्रन सिस्टर्स, एक तो जैसे हम एक बिलीव करते हैं कि एक ब्रांड, हर ब्रांड के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि जब काम स्टार्ट किया तो फर्स्ट चीज़ थी कि नाम क्या रखें। तो नाम की एक स्टोरी होनी चाहिए, तो हमने बहुत एक्सप्लोर किया कि हम किस चीज़ से हम रिलेट करते हैं। हम सिस्टर्स हैं इसलिए सिस्टर्स आ गया, और हम कार्टून्स से बहुत ज़्यादा, कार्टून्स और जो भी फेरी टेल्स और स्टोरीज, तो उसमें हमेशा दिख रही विच है, वो एक काले से पॉट में एक मैजिकल पोशन बनाती थी, वो विकेट होता था। हमारा विकेट नहीं होता है, इट्स मैजिकल। सो एक ब्लैक कलर का पॉट, कॉल्ड्रन, जिसके अंदर विचेस, जादूगरनियाँ मैजिक बनाती हैं, जैसे हम कॉल्ड्रन सिस्टर्स में हम मैजिक ब्रू करते हैं। तो हमने नाम रखा कॉल्ड्रन सिस्टर्स, विच शुड अट्रैक्ट पीपल। मैम, दैट रियली अट्रैक्ट्स मी। सो अर्चना मैम, अ लेमैन अंडरस्टैंड्स डिजाइन एज अ फॉर्म ऑफ प्रिंट ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्या आप हमारी ऑडियंस को डिजाइन का एक्चुअल ट्रू मीनिंग बता सकते हैं? बहुत सारी भ्रांतियां हैं डिजाइन को लेकर के। मैं बहुत प्रबुद्ध प्रसिद्ध लोगों से भी जब बात करती हूँ और मैं उनसे जब पूछती हूँ कि डिजाइन के अराउंड हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हम तो डिजाइन के फील्ड के नहीं हैं। तो जब हम डिजाइन के बारे में सुनते, तो कहीं ये कहना बिल्कुल आपका सही है कि लोगों ने उसके
पहचान, या तो कपड़े, सुंदर कपड़े, फैशन शो, प्रिंट्स, या हमारे इंटीरियर स्पेसेस हैं, उनसे उनको जोड़ करके रखा है। जबकि डिज़ाइन जिंदगी के हर पहलू में है। अगर आप देखेंगे कि डिज़ाइन की वजह से ही हम काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। डिज़ाइन कभी भी प्रेजेंट को एड्रेस नहीं करता, और फ्यूचर की जो संभावनाएं हैं उसके प्रति, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर एंड एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन क्रिएट, दैट इज व्हाट डिज़ाइन इज। डिज़ाइन इज देयर टू सॉल्व द विकेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी कुटिर, जो हमारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी कुटिलताएं हैं। अगर हम देखें तो डिज़ाइनर्स उन्हें समझते हैं गहराई से, उनके साथ में जिन लोगों के प्रति हमें एम्पैथी रखने की ज़रूरत है, उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है उनको समझते हुए, जब हम आइडिएट करते हुए क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे डिज़ाइन कहते हैं। आज की तारीख में डिज़ाइन थिंकिंग जैसा शब्द मैनेजमेंट कॉलेजेस में, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो या हार्वर्ड हो, हर जगह डिज़ाइन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जो प्रबुद्ध, जिनको हम कहते हैं कि भाई मॉडर्न जो कंट्रीज हैं, जो मॉडर्नाइज्ड हैं, वो उन्होंने डिज़ाइन को बहुत जल्दी से समझ करके उसे एम्ब्रेस किया। जबकि हिंदुस्तान में डिज़ाइन इतनी गहराई में समाया हुआ है कि हमने कभी उसके नवीनीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस सोचना बंद कर दिया। तो ज़रूरत है कि हम सब वापस डिज़ाइन को बहुत होलिस्टिक रूप में देखें। जहाँ पर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, वहाँ आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों का समागम होता है। तीनों जब साथ मिलते हैं तभी डिज़ाइन पूरा होता है। आप कुछ भी बनाएं, अगर उसमें आपको कुछ नया नहीं देखने को मिले तो आपको ये लगता है कि वो शायद मेरे लिए नहीं है। तो डिज़ाइन में एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत है, जहाँ पे क्रिएटिविटी, आर्ट फॉर्म, ये चीज़ें बहुत खूबसूरती से दिखती हैं। दूसरी तरफ अगर आप साइंस का लेवल का देखें तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी रहती है, क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से हम मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं। और तीसरा अगर हम देखें, अगर उसे मार्केट प्लेस नहीं मिलता और उसे अगर आम आदमी अगर उसे स्वीकार नहीं करता तो वो कहीं पे भी बिक नहीं सकती। तो इसीलिए कॉमर्स का एस्पेक्ट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही तीनों जो चीज़ें संकाय है जो जुड़े हुए हैं। और जब मैं तीन तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप तीन समझते हैं, हर आम आदमी समझता है। बल्कि अगर डिज़ाइन में देखें तो सोशियो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट डिज़ाइन इज़ अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ एजुकेशन, रादर देन सीइंग, ठीक है कपड़े हम इसलिए देख पाते क्योंकि शायद आम जिंदगी में हमेशा दिखते हैं कि कपड़े हम पहनते हैं और कैसे नई नई चीज़ें और नए उनमें नई शैलियाँ कैसे आ रही है, हमारे जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी स्पेसेस हैं, उनमें हमें ये चीज़ें हर रोज़ नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ें शायद नज़र नहीं आती कि किस तरीके से फार्मिंग के अंदर आपने डिज़ाइन का सोल्यूशन कैसे अपनाया आपने, या आपने कोई चेयर डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं तो वो क्यों डिज़ाइन किया गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिज़ाइन का कल्चर इस कंट्री में उसे नए रूप से देखें और समझें और जानें और उसे विकास के लिए माने कि ये एक रास्ता है जिससे हम विकास के द्वार जा सकते हैं। सो डिज़ाइन इज लाइक एन सिंथेसिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो हाउ वी लिव आवर लाइफ टू आवर कन्वीनियंस। सो एब्सोल्युटली मैम, एंड व्हेन यू से कन्वीनियंस, द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यस, द ईज ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड देन अगर आज मैं कहती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमें 2050 के लिए क्रिएट करने हैं, कौन सोचेगा? ये सब डिजाइन थिंकर्स हैं जो इनोवेशन लेड थिंकिंग के साथ फ्यूचर लेड डिजाइन के बारे में सोचते हैं। तो वो जो है वही डिजाइन है। डिजाइन कभी बिल्कुल आपने किसी ने कुछ बना दिया और वही हम बना रहे हैं और चार चीजें हमने बना दी, वो डिजाइन नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई डिजाइनर्स हैव टू बी सो फ्यूचरिस्टिक एंड इनोवेटिव इन थॉट एंड प्रोसेस। एब्सोल्युटली मैम, कोल्ड्रोन सिस्टर्स इज अ टू वुमन टीम। How as a team do you take care of your clientele as well as pursue your own dreams? So being a team of two sisters is very good for us kyunki hamare dono ke na preferences alag alag hain, hum dono ke departments alag hain. So jab hum kisi cheez pe work karte hain to do alag alag tarah ke ideas usme aate hain. And then we have divided our team as in one takes care of the clientele, one does all the editing and computer wala stuff. So us ho jata hai and I would say that being sisters, we don't even have this option of breaking apart. We don't break up. We just fight and after a while, hum ignore karte hain ki bhai aisa kuch hua hi nahi and then we move on. So we have a dependable team, I would say. So dear friends, we'll stop for a small break here.
ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं इन कॉन्वर्सेशन विद प्रणव चौधरी एंड अचला बहेती. मैम, आर्च हैज ग्रोन फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स ऑफ योर हाउस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल रेप्यूट. इन वर्षों में आर्च ने कैसे अपने आप को सिमिलर डिजाइन एंड फैशन कोर्सेज से अलग साबित किया है? ओके, आई रिमेम्बर व्हेन आई मूव्ड इनटू द सिटी, दैट वाज द ईयर 1995, एंड आई कुड सी देयर वाज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई थिंक दैट्स वेयर डिजाइन रियली कम्स इन. एंड जब अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शहर जो है उसके अंदर में ज्वेलर्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, आपके पास में गारमेंट्स हैं, प्रिंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सारा काम है. और मुझे लगा कि असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर. लेकिन हम एक प्रोड्यूसर सिटी के रूप में ज़्यादा जाने जा रहे थे. प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर्स थे वो हमें डिज़ाइंस देते थे और हम उनके लिए बनाते थे. तो मुझे लगा कि कहीं हमें हमारी ओरिजिनलिटी को वर्ल्ड में ले जाने की ज़रूरत है. तो मैंने इन डिज़ाइन कोर्सेज की शुरुआत करी. और कहाँ, दो कमरे में मेरे घर के जब मैंने शुरुआत करी. उस समय यहाँ पर डिज़ाइन को वोकेशनल एजुकेशन के रूप में लेकर के केवल एक जो मिड मैनेजमेंट लेवल के जो लोग थे उनके हिसाब से ही देखा जाता था. जैसे ही डिज़ाइन को जोड़ा गया, उस क्रिएटिविटी को साथ में जोड़ा गया, बिल्कुल एक नए आयाम खुलने लगे. और आज देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने मुझे 15 साल लगे लेकिन 4 ईयर बैचलर्स इन डिज़ाइन डिग्री को अप्रूव किया उन्होंने. हम इंटरनेशनल फोरम्स पे बैठते हैं इसलिए क्योंकि डिज़ाइन की जो भाषा जो हम लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान से वो बहुत अहम है और पूरी दुनिया उसको पहचानती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि इंडिया को सबने अपना इंस्पिरेशन का सोर्स माना है. कहीं हमारे यूथ को ये मानने की ज़रूरत है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. और यहाँ से ही डिज़ाइन की उपज हुई थी और यहीं से आगे हमें वॉइस, द वॉइस फ्रॉम इंडिया हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर डिज़ाइन फ्रॉम इन ईयर. एंड जयपुर को एज अ मोस्ट क्रिएटिव सिटी का जो यूनेस्को का टाइटल मिला हुआ है वो एक बहुत ही, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसे हमें चेरिश करना चाहिए हमारे यूथ को. मैम, द लिप स्मैकिंग गुडीज यू मेक आर वेरी यूनिक टू इंडियन पैलेट. कोल्ड्रॉन सिस्टर्स की ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिन्होंने उन्हें वाइडर ऑडियंस को अपील करने में मदद की? दैट्स क्वाइट अ नाइस क्वेश्चन. क्योंकि ये चीज जो है जो वो बहुत ज्यादा वैलिड है आज. और हमने ये चीज़ समझ ली थी जिस दिन हमने हमारा काम चालू किया. हमारी मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय हम देंगे सोशल मीडिया को. जिस दिन हमने काम चालू किया, हमने फर्स्ट अपना सोशल मीडिया पेज बनाया और हमें जितनी भी ऑडियंस अभी तक मिली है, हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी हमें बिजनेस मिल रहा था, 90% केम फ्रॉम यूज़ ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर मीडिया. सो एंड दिस इज़, लेट मी टेल यू दैट दिस इज़, ये सबसे सस्ता माध्यम है अपनी ऑडियंस को रीच करने का. ये कोई प्रिंट मीडिया नहीं है. ये सिर्फ, this is the most reasonable thing and it spreads like anything. The social media has been really helpful in what we are doing. And organically किसी भी अपने ऑडियंस को रीच करने के लिए, चाहे वो आपको तारीफ करें या आपको क्रिटिक्स दें, सो इट्स ऑलवेज गुड टू रिलाई ऑन इंटरनेट. मैम, इस 21 साल की जर्नी में आपने अपने मेजर चैलेंजेस को कैसे टर्निंग पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है? चैलेंजेस तो आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का पार्ट है. और जब हम चैलेंजेस की बात करें, एक नया शहर, एक नई शुरुआत जिसे लोग जानते नहीं हैं, और आप कुछ नया, एक नया कुछ एक थॉट प्रोसेस, एक बिल्कुल नए रूप से आप जब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वहाँ लोगों का जो माइंडसेट है उसे ऑल्टर करना सबसे बड़ा काम होता है. तो जो ये प्रोफेशंस थे इनको डिग्निफाइड रूप में देखना और इन्हें करियर पाथवे के रूप में देखना, ये बहुत बड़ी मेरे तरफ से पहल बनी है. मेरा ये मानना है कि शहर में, क्योंकि मैंने इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन पाथवे बनाने के लिए जो काम किया उसे काफ़ी सराहना मिली. इसीलिए आज 30 स्टेट्स से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं. तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था विच वॉज टू डू विद द माइंड सेट. द सेकेंड थिंग वॉज हाउ डू यू ग्रो. उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए. अब रिसोर्सेज आप कहाँ से लाएंगे? शुरुआत के सालों में मैंने, जैसे कि कोई भी एक छोटा एंटरप्रेन्योर होता है, दो दो जोड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो मैंने, और काफ़ी जो एजुकेशन का गैप था यहाँ पर वो भी एक बहुत बड़ा मेजर एरिया था. तो मैं पहले साल जब मैंने इंस्टीट्यूट लगाया तभी मैं अब्रॉड लेस्टर UK एक प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए गई. उसने मेरे पूरे विजन को ब्रॉड किया और मुझे वो जज्बा मिला कि यस, आई नो समथिंग दैट आई कैन रियली ब्रिंग हियर. सो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी मेरे साथ में. और जब मैं बात कर रही हूँ फाइनेंसिस की, डेफिनेटली सो बैंक लोन लेना, सीखना, करना, जानना, फेल करना,
ये बहुत सब चीजें थी जब आप करोड़ों में लोन लेकर के एक बड़ा सेटअप लगाते हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे साथ में। प्लस जो मैंने आपको कहा शुरुआत में माइंडसेट, जहाँ पे डिग्री एजुकेशन को मान्यता नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान स्टेट के लिए रही है। और अभी हाल फिलहाल मैं राजस्थान स्किल्स यूनिवर्सिटी में भी डीन फॉर फैशन डिज़ाइन रही हूँ, जहाँ इंटीरियर ज्वेलरी और फैशन के लिए इन कोर्सेज की शुरुआत स्किल लेवल के पे की गई है, ताकि ये सारे राजस्थान के जो दूसरे सेंटर्स हैं वो भी डिग्री एजुकेशन को दे सके। मैम, पिछला कुछ समय फूड इंडस्ट्री के लिए मुश्किल रहा है, आपने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और फिर कोविड से कैसे कोप किया? सो चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में है, एनी इंडस्ट्री, फैशन, फूड, एजुकेशन, आई थिंक लाइफ ही फुल ऑफ चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस को देख के डरना नहीं है, हमें चैलेंजेस का सोल्यूशन निकालना है। मैं मेरे छोटे से बेटे को भी यही सिखाती हूँ कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड और रिजॉल्व्ड, यू कैन नॉट अनडू इट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई, हमने उससे ज़्यादा हमने आगे एक स्टेप और सोचा। हम होम केटरर्स थे जब हमने शुरू किया, फिर हम कल्नरी इंस्ट्रक्टर्स थे, जब एक स्लैब बंद हुई तो हम बुक ऑथर्स बन गए, एक स्लैब और बंद हुई तो हम रेस्टोरेंट कंसल्टेंट्स बन गए, और आगे हम कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। सो द ओनली वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट। यू चैलेंजेस तो आते रहेंगे, जैसे मैम ने भी कहा, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं और भी आएंगे आगे, और भी आएंगे। तो हमें सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने आप को पुश करना है। आपने अभी बहुत एक खूबसूरत बात करी कि आपने अपने बेटे से सीखा। सो बीइंग वुमेन, यू हैव टू प्ले सो मेनी रोल्स, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ मदर, यू आर अ बायर, यू आर अ प्रोड्यूसर, सो हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ एज अ मदर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर? सो दैट्स अ वेरी, आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यस, सो इट्स सो गुड दैट वी कैन प्ले सो मेनी रोल्स। सो अबाउट बींग मदर एंड एन एंटरप्रेन्योर, इट्स लाइक बच्चा मेरा अकेले का नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी है। तो फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है, हम सारी गिल्ट अपने आप पर ले लेते हैं, हमें लगता है कि हमारी गलती, हम ये नहीं कर रहे, हमारी गलती। हम बच्चा मेरा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है, दादा दादी का भी है, नाना नानी का भी है, तो हम सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। मुझे सिर्फ कहना पड़ा कि मैं ये काम चालू करूँगी, एंड पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, और जनरली जब तक आप मांगोगे नहीं कोई कुछ देगा नहीं। सो येस, एज अ मदर एंड एंटरप्रेन्योर आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद हाउ आई एम डीलिंग विद ऑल द थिंग्स। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनेज हो जाती हैं, बट येस, फीमेल्स को स्पेशली जो बार बार आजकल आ भी रहा है कि गिल्ट मैनेजमेंट, प्लीज़ गिल्ट मत लो, बच्चा सेफ है, मस्त है, अगर घर वालों के साथ है, ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे माँ ही उसके सर पे रहे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो अर्चना मैम, विद योर बिजनेस एक्यूमन, हाउ डू यू बैलेंस द रोल ऑफ अ मदर एंड एन एंटरप्रेन्योर? Very interesting. I think, you know, it's again a mindset. As a woman, you make a choice from day one that मुझे मेरे dreams को पूरा करना है. You know, nurturing a family is also a part of your dream, right? So if you take it in that stride, I think it works both ways. It's quite a balancing act. जहाँ तक हम challenges, जिनके नहीं है ये problems, उनके पास भी challenges हैं. तो challenges तो हर सूरत में हैं. तो कहने का मतलब ये चॉइस की बात है कम्प्लीटली, कि अगर आपको एक परिवार भी सिंचित करना है, आपको अपना करियर भी सिंचित करना, तो बहुत सारा बैलेंसिंग एक्ट होता है, और आपको अपने आप को स्ट्रेच तो करना ही पड़ता है। आई थिंक बिना स्ट्रेच करे बिना अपनी बैंडविड्थ तो बढ़ती नहीं है, तो वो बैंडविड्थ जब बढ़ती है तभी आप आज हमको बुला करके यहाँ पर आप हमसे बात कर रहे हैं। सो सबको जिनको ये है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या फैमिली को दें कि उसको दें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेकिंग बैलेंस चॉइसेस। या सो जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं इंस्टीट्यूट को घर के पास रखती थी, और कि भाई कभी भी बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ भी है, तो आई कैन मैं फट करके घर की तरफ आ सकती हूँ। तो मैं करीबन 2 किलोमीटर के रेडियस में ही ज़्यादा रही, और उसके बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो फिर मैंने एक्सपैंड करके कैंपस को थोड़ा दूर लेके गई। पर आज भी मुझे ये लगता है कि यस, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक आवर चॉइसेस वेरी क्लियर इन आवर लाइफ। मैम, आपने बताया कि यूनिकनेस एंड क्रिएटिविटी वो योर प्राइम फोकस टू प्रोवाइड एन एग्जॉटिक एक्सपीरियंस टू योर कस्टमर्स। इस फास्ट पेसिंग ट्रेंड्स के दौर में आपने अपनी डेलिकेसीज की क्वालिटी कैसे मेंटेन करी है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम मानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स और इन सब की क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मैं खुद नहीं खाऊंगी, मैं मेरी फैमिली को नहीं खिलाऊंगी, वो चीज़ आप किसी और को भी नहीं दें तो बेटर है। और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, सो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू एवरी डे। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्पेशली वी टॉक अबाउट जयपुर। सो देन वी स्टडी अबाउट इट, वी लर्न अबाउट इट, देन वी लर्न हाउ टू मेक इट एंड what are the qualities and everything,
और उसके बाद में हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये आपके लिए क्यों अच्छा है, आपको अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए. एंड जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है एंड इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स प्लेस इन मार्केट, देन वी लीव इट एंड वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक कि अब इसके बाद में हम नया क्या कर सकते हैं. बिकॉज वी हैव दिस हंगर फॉर समथिंग न्यू एवरी डे. सो हमें लगता है कि भाई एक चीज बन गई, अब वो तो चल रही है, अब आप किसी और नई चीज पे सोचो कि आप और नया क्या दे सकते हो सोसाइटी को. जस्ट लाइक अर्चना मैम सेड, हम फूड डिजाइन कर रहे हैं फॉर वेलनेस, वी आर डिजाइनिंग रेसिपीज, वी आर डिजाइनिंग रेस्टोरेंट्स. सो इट्स लाइक इज यूनिकनेस कम्स व्हेन यू वर्क विद योर पैशन, यू वर्क विद योर हार्ट एंड यू वॉन्ट टू गिव क्लाइंट एन एक्सपीरियंस. सामान बेचना नहीं है लोगों को, यू हैव टू मेक पीपल बाय फ्रॉम इट. So that comes when you put your heart and soul and your creativity into it. Same with holistic designing, holistic eating. So people are more into that these days. Ma'am, aane wale samay mein youth aur design ke liye aapka kya vision hai? Women and youth, these are two powerhouses, right? And we need to, hamare samaj ko constantly inme invest karne ki zarurat hai. Aur jab main youth ki baat karti hoon, to shayad ye passion jo youth ko सक्षम बनाना, मेरा ये मानना है कि हमारा जो यूथ है इंडिया का, वो हमारा जिसको हम आज की तारीख में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कहते हैं, वो डिविडेंड तभी बनेगा जब हमने इस एडवांटेज का फायदा उठाया. तो आज की तारीख में वो हमारा एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज बन जाएगा अगर हमने ट्रेनिंग डिवेलपमेंट के लेवल पर हमारे यूथ को नर्चर नहीं किया. तो वहां क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, दीज आर की वर्ड्स ऑफ द फ्यूचर. जरूरी है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे गांवों में है, जो हमारे छोटे शहरों में है, जरूरी है कि इस यूथ को हमें एम्पावर करना है. और डिजाइन के थ्रू वो लिबर्टी मिलती है जहां पर आपको कोई रास्ता कंडीशनड एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. तो देखिए, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को समझते हुए बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी डाली है ताकि हर स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जो खूबी है उसको वो व्यक्त कर सके. तो मेरा यह मानना है कि जो यूथ है उसके लिए जो मैंने अभी जो कोर्सेज कर रही हूँ, साथ में जो अभी चाहे काम में लग गए हैं, प्रोफेशन में आ गए हैं, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन एडवांस डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन, आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू ऑनलाइन प्रोग्राम नाउ, सेंटर फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा कॉलेज में एक अलग दूसरा विंग है जहां पर हम इंक्यूबेशन क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करते हैं. साथ ही आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जो कि एक्चुअली इसका बेस है इन सब चीज का, यहाँ पर हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन डिजाइन है. और जहां पर हमारी जैसे जैसे महिलाएं कोई करना चाहती है तो पार्ट टाइम में कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं वो वर्ग है जिसपे ऑलरेडी हमारे समाज का काफी इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है. अगर ये घर में बैठी हैं और अगर उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है तो वो एक पूरा टैलेंट हमारा यूज नहीं हुआ है. तो जरूरी है कि हमारे विमेन और हमारे यूथ को आगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नए नए कार्यक्रम आगे इस तरह से सोचते रहें, और हर वर्ग को और चाहे हर इंडस्ट्री को सोचने की जरूरत है कि कैसे इंक्लूसिविटी बढ़ाएं जहां पर हम विमेन को बोर्ड्स पे मौका दें और वहीं हम यूथ को हमारे आसपास उनसे सीखने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत कुछ है जो हम उस नई पीढ़ी से सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. डियर व्यूअर्स, वी हैव सीन द कॉमन थ्रेड इन आवर एंटरप्रेन्योर्स इज देयर स्ट्रांग विल पावर. जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है. डू नॉट लेट स्ट्रेस एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म ओवर पावर अस. सेल्फ कंट्रोल हमें बढ़ाना है. डू नॉट लूज पेशेंस, ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड. सफलता मिले तो भी नए आयाम को छूने की इच्छा रखनी है. नए टारगेट्स, नए गोल्स को हमें बनाना है, परसू करना है और रुकना नहीं है. सो विशिंग एवरीवन, all the viewers strong willpower and ever successful journey ahead. Thank you so much.